इंडियन प्लेइंग 11 में रोहित शर्मा जो कैप्टन है, फिर गिल आएंगे उनके साथ, ईशान किशनन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, पांड्या, जडेजा, ठाकुर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह. किसी और को तो नहीं मैंने मिस किया, मोहम्मद सिराज को तो नहीं मिस किया. वेल दैट्स द इंडियन प्लेइंग 11 राइट नाउ. और हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद है, क्लास ऑफ 92, फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम मोइन खान हमारे साथ मौजूद है, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त एंड फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर्स वी हैव अब्दुल रजाक हमारे साथ मौजूद है. रजाक, सबसे पहले चले आपके पास आ जाते हैं एंड टॉक अबाउट द टॉस. अब भारत करेगी पहले बैटिंग, तो ये यू नो हर कोई चाहेगा कि वो चेज ना करो, बट अब ये सिचुएशन बन गई है, भारत बैटिंग फर्स्ट, व्हाट डू यू सी? देखिए फातिमा, ये राउंड का मैच है, डू एंड डाई मैच नहीं है, सबसे पहले तो ये बात है. और दूसरी बात ये है कि डेफिनेटली इंडिया पाकिस्तान का मैच हमेशा क्रंची होता है. पाकिस्तानी चाहते हैं कि मैच जीते, इंडियन चाहते हैं कि वो मैच जीते. पर इसमें अच्छी बात ये है कि कोई ऐसी कन्फ्यूजन पैदा नहीं हुई कि जिसने भी टॉस जीता है. बाबर आजम भी कह रहे थे पहले बैटिंग करने के, इसका मतलब है कि पिच में नॉर्मल है. और जितने पहले मैचेस देखे गए हैं पिच में कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई. और अगर आप अच्छी बॉलिंग करते हैं, अगर आप अच्छी लाइन से बॉलिंग करते हैं, अगर आपको विकेटें मिलती हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो पिच की वजह से आपको मिल रही हैं. तो ये आपकी एबिलिटी भी होती है, आप में जो पोटेंशियल होता है उसकी वजह से भी आपको विकेटें मिल रही होती है. तो बड़ा अच्छा है पाकिस्तान के लिए, बड़ा अच्छा है. और अगर ये फाइनल होता तो फिर थोड़ा सा वरीड अबाउट हो सकते थे कि जी इंडिया ने पहले बैटिंग कर रही है, पाकिस्तान की मुश्किल हो सकता है. पर ये राउंड का मैच है, अब पता चल जाएगा कि जी यहाँ पे क्या होता है. पहले बैटिंग करनी चाहिए, पहले बॉलिंग करनी चाहिए. और जिस तरह की पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप है, सारे सीम बॉलर हैं, तो डेफिनेटली इनको हेल्प मिलेगी पहले 4-5 ओवर. मोइन आपके पास आएंगे, इट्स ऑल अबाउट आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी. अभी आप क्या सोच रहे होंगे, और आई थिंक कभी कभार ये पाकिस्तान का वीक पॉइंट भी हो जाता है कि व्हेन टू यूटिलाइज अ प्लेयर और क्या स्ट्रैटेजी आपने निभानी चाहिए. मगर अभी मुझे लगता है जैसे कि बाबर का क्लियर माइंड होगा, तो अभी कैंप में क्या बातें हो रही हैं? आई थिंक नेचुरली एक अपॉर्चुनिटी तो होती है टॉस जीतना, बट पाकिस्तान नहीं जीता. बट ये देखना होगा कि आगे लाइक कि बारिश है कि नहीं है. और बारिश होती है तो यकीनन ये जो डिसीजन लिया है यहाँ पे रोहित ने, मुझे लगता है कि ये रिवर्स होगा, लाइक उनके फेवर में नहीं जाएगा, यू नो, अगर बारिश होती है. हाँ, अगर क्लियर कंडीशन है, पिच बिल्कुल फ्लैट है, तो यकीनन उनके लिए फ़ायदा ज़रूर हो सकता है. बिकॉज के श्रीलंका कंडीशन जिस तरह की हैं, जो हमने पाले किले में पहला मैच देखा था, यू नो, चेजिंग करते हुए मुश्किल हो रही है और विकेट गिरती है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता है, यू नो. आई थिंक यहाँ पे इस वक्त इम्पोर्टेंट बाबर के लिए ये होगा कि जो फर्स्ट 10 ओवर्स हैं उनको मैक्सिमम यूटिलाइज करें. शाहीन शाह नो डाउट एक टॉप क्लास बॉलर्स हैं, तो उनको चाहिए अपनी लाइन लेंथ जो उनकी स्ट्रेंथ्स हैं उसके ऊपर काम करना चाहिए. लाइक जो जिस तरह वो नए बॉल से यॉर्कर करते हैं और विद इन द स्टम्प्स करते हैं बॉल, यू नो, तो उनको चांस लेना पड़ेगा विकेट्स का, क्योंकि इंडियन टॉप ऑर्डर बहुत ही अच्छी बैटिंग लाइनअप है इनकी, यू नो. अगर वो 4-5-6 ओवर निकाल जाते हैं, रोहित निकाल जाते हैं साथ में, यू नो, उनके, तो वो टीम को लेके चलेंगे. बिकॉज ही इज़ अ कैप्टन, सो वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे अपने तमाम बैट्समैनों को वहाँ रह के. तो विकेटें लेना बहुत इंपॉर्टेंट होगी यहाँ पे बाबर के लिए. और फील्ड प्लेसमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ओवरकास्ट थोड़ी बहुत कंडीशंस होंगी, इनिशियली मूवमेंट मिलेगा यहाँ पे, तो स्लिप लेके बॉल करनी पड़ेगी यहाँ पे, यू नो, और प्रेशर कंसिस्टेंटली डालना पड़ेगा थ्रू आउट द 50 ओवर्स एंड जस्ट ट्राई टू गेट देम आउट बिफोर द 50 ओवर्स फिनिश. और जैसा आप कह रहे हैं शाहीन की स्ट्रेंथ ही है उनके फर्स्ट ओवर्स, यू नो, दैट स्पीड इज अ लेट स्विंग. बट थोड़े प्लेइंग 11 भी हम लोग आपको बाहर की ऑन स्क्रीन भी दिखा देते हैं. सो सिक्को द गिल, ही इज अ वेरी प्रॉमिसिंग बैट्समैन, स्पिन को बड़ा डोमिनेट करते हैं. अब इनको अपने पेस से थोड़ा सा घबराना है, बिकॉज ही इज नॉट, ही इज द फर्स्ट टाइम ही इज फेसिंग पाकिस्तानी बॉलर्स ए, एंड दूसरा है कि थोड़ा सा पेस से फंसते हैं, तो ये ही विल बी ऑल्सो योर टारगेट राइट नाउ. देखो, हम सब पिच की बात कर रहे थे कि टॉस जीत के क्या करना है, क्या नहीं करना. इंडिया के पास भी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, राहुल द्रविड़ वहाँ मौजूद हैं, सबने पिच देख ली होगी. इसका मतलब है कि पिच में कोई ऐसी चीज़ नहीं है डराने वाली इंडियन बैट्समैन को कि मॉइस्चर, ग्रास, ये वो, कि वो कहें कि नहीं जी हम पहले नहीं बैटिंग करेंगे, देखेंगे पिच कैसे बिहेव करती है. दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, उन्होंने कहा हम बैटिंग करेंगे आकर, और बारिश का भी थोड़ा सा कम चांस हो गया. तो पाकिस्तान के बॉलर्स के लिए सिर्फ, मैं पहले भी एडवाइस की, मैं फिर अब एडवाइस करूँगा. मैंने नोट किया है कि शाहीन कई दफ़ा पहले एक दो ओवर में बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, टांग के बाहर कराते हैं, ये कराते हैं, अपने नॉर्मल गेंद, नेचुरल जो उनका पढ़ के जो अंदर का गेंद आता है ना, वो सबसे दुनिया का खतरनाक तरीन बॉल है. बल्कि एक दौरान में जब वसीम अकरम ये करते थे तो किसी बड़े क्रिकेटर ने बोला था, यार उसको खेलना सबसे मुश्किल होता है, जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो ओवर द विकेट आके यहाँ से कराता है और गेंद अंदर आने लगता है और फिर वहीं से बाहर निकल जाए तो
बहुत ही मुश्किल होता है, तो वो काम एंड कूल और वहाँ पर अपनी एक लाइन लेंथ पे गेन करें, तो मुझे 100% यकीन है कि वो ब्रेक थ्रू देंगे, वो हमेशा देते हैं फिर देंगे। तो पाकिस्तान ने अगर अर्ली ब्रेक थ्रू दे दी तो इंडिया की टीम ऑब्वियसली वो स्ट्रगल करेंगे, फिर वो आराम से खेलेंगे आखिरी के हाँ उनको एक एडवांटेज आखिरी में ज़रूर है कि पांडे और जडेजा दोनों बड़े ख़तरनाक बैट्समैन हैं जो नीचे आएंगे 6 और 7 पे, वो उसके लिए उनके लिए अपने ग्राउंड बनाएंगे। तो इट विल बी हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए उस टाइम, क्योंकि आपको पता है इनके बैटर्स एंड तक लेकर जाते हैं। हाँ नहीं, मगर तो, हमारे वही है ना कि अर्ली ब्रेक थ्रू मिल जाता है तो फिर वो अंडर प्रेशर रहेंगे, और जैसे अभी मोइन ने कहा कि वी हैव टू कीप द स्लिप, मैं हमेशा कहता हूँ कि वो हम पता नहीं क्या होता है कि हमारी गेंद हिल रहा होता है बाबर स्लिप हटा देते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा उनकी कप्तानी स्ट्रेटजी आपको मतलब एक अटैकिंग एटीट्यूड रहना चाहिए कि आपका अगर गेंद हिल रहा है तो आप स्लिप रखेंगे, 2 चौके लगे तो स्लिप हटा दो, ना ये नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है। तो अच्छा दूसरी बात ये कि वी ऑल्सो हैव टू टॉक अबाउट फील्डिंग, रज़ाक आपसे भी हम लोग बात करेंगे कि फील्डिंग यू नो हमने देखा लास्ट टाइम एशिया कप में श्रीलंका ने बड़ी ज़बरदस्त फील्डिंग की थी एंड दे एक्चुअली लिफ्टेड द कप बिकॉज ऑफ दैट। अभी पाकिस्तान की कैचिंग बहुत अच्छी रही है, मैं थोड़े स्टैट्स भी देख रही थी कि इंग्लैंड से बस हम 1% ही कम है, 81% पाकिस्तान की यू नो बेस्ट कैचिंग रही है 2019 वर्ल्ड कप के बाद, और इंग्लैंड की 82.8, सो वी वेरी क्लोज टू देम। तो फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी गए थे, हम उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं इनफ। डेफिनेटली देखें फील्डिंग जो है इसका इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे बॉलिंग अच्छी हो रही होती है तो फील्डिंग ऑटोमेटिकली अच्छी होने के चांसेस होते हैं, जब बॉलिंग गलत हो रही होती है रन आने शुरू हो जाते हैं तो थोड़ा सा नर्वस की तरफ चली जाती है फील्डिंग, थोड़ा सा ना बैकफुट पे चली जाती है। तो फील्डिंग का तो हमेशा देखें इस लेवल पे बहुत मैटर का काउंट करता है, जितनी भी वर्ल्ड में टीमें जिन्होंने अच्छा खेला डोमिनेट किया है वो बिकॉज ऑफ बॉलिंग बैटिंग नहीं फील्डिंग की वजह से भी किया है, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने 99 से लेकर 2007 तक जिस तरह के मैचेस जीते हैं सारे वर्ल्ड कप जीते हैं, तो उनकी फील्डिंग इतनी अच्छी थी कि रिकी पोंटिंग इतना अच्छा कैच कर जाते थे, इतना अच्छा रन आउट कर जाते थे अनएक्सपेक्टेड, वो ये ऐसे कैच पकड़ते थे ये कैच नहीं हो सकता था। तो ये इंपैक्ट पड़ता है फील्डिंग पे, इंटरनेशनल लेवल पे हमेशा ये काउंट बड़ा ज़बरदस्त फील्डिंग का रोल होता है। तो पाकिस्तान को भी चाहिए अगर बॉलिंग थोड़ी सी भी अगर पैनिक होती है या लाइन लेंस पे नहीं कर रहे होते हैं या रन आने शुरू हो जाते हैं तो फील्डिंग को चाहिए कि वहाँ पर थोड़ी सपोर्ट करें, स्टेप अप करें और वहाँ पर उनको बॉलर को हेल्प आउट करे, एक अच्छा रन आउट एक अच्छा कैच इवन एक अच्छी बाउंड्री अगर रोक लें तो वो भी सारा प्रेशर जो है ना बैट्समैन पर चला जाता है। अभी कहीं लग रहा है कि शायद किशन जो है वो विराट कोहली से ऊपर आएंगे या वो थर्ड पे खेलेंगे या फोर्थ पे, ये थोड़ी सी भी मुझे क्लैरिटी नहीं नजर आ रही। नो वेयर डू यू वांट टू सी विल दे एक्सपेरिमेंट विद विराट के उनको कहाँ खिलाना है या नहीं, क्योंकि यू नो वो नंबर 3 पे विराट इज़ वेरी हैप्पी ही लुक्स गुड, बट क्या आपको लगता है कि वॉट विल दे डू एंड वी सी इंडियन बैटर्स टॉप में, सो विराट कोहली 278 मैचेज एंड क्रेजी अमाउंट ऑफ रन ऑल ऑफ दैट इन फ्रंट ऑफ यू। हाँ जी बिल्कुल, देखें मे भी 200 होती हैं या आप टॉप अपने क्लास बैट्समैन को हमेशा टॉप ऑर्डर पे भेजते हो जहाँ पे उसने ऑलरेडी परफॉर्म किया हुआ होता है यू नो, या फिर आपके जहन में ये भी एक डिसीजन आता है कि यार ऊपर से अगर पाकिस्तान की नई बॉलिंग बहुत अच्छी है और जल्दी विकेट गिर गई तो हम विराट को यहाँ पर नहीं भेजेंगे यू नो, तो मे भी ये थाट है सिर्फ, बट जो मेरा मानना है जो मेरा बिलीव है वो ये है कि आपके जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है जो बेस्ट बैट्समैन है जो प्रेशर में सस्टेन कर जाते हैं तो उनको टॉप ऑर्डर पे आना चाहिए। तो मेरा यहाँ पे ख्याल है कि विराट कोहली को भेजना चाहिए 3 नंबर ही, क्योंकि वो लेके चलते हैं और अगर उनका हाईएस्ट स्कोर भी देखा जाए वो भी पाकिस्तान के खिलाफ है यू नो, सो पाकिस्तान के खिलाफ वो लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डनरीली परफॉर्म इसलिए करते हैं कि वो चैलेंज लेना जानते हैं यू नो, ही इज अ फाइटर क्रिकेटर, डोमिनेट करता है वो और वो नजर आता है उसका चैलेंजिंग जो उसका एटीट्यूड है ना वो ग्राउंड में नजर आता है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि रोहित को यहाँ पे चाहिए कि 4 नंबर कर दें और विराट के नंबर पे किसी और प्लेयर को ईशान को भेज दें या किसी को भी भेज दें, तो मेरा ख्याल है यहाँ पे समझदारी से इंडिया को काम लेना चाहिए, वेयर एज जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है अटैकिंग मोड पर। और यू नो उनके जो नंबर 4 हैं वो श्रेयस अय्यर, ही इज़ देयर नंबर 4 एंड ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट, आई मीन उसके बाद बड़ी मेहनत की है लोगों ने, उन्होंने थोड़ी शॉर्ट बॉल पर मार खाते थे, बड़ी एफर्ट करके आए हैं, कम बैक उन्हें अच्छा किया है और आई थिंक अभी ज़बरदस्त उनका एक सिचुएशन बनी हुई है नंबर 4 पे। तो वो फर्क में देखें जितने भी प्लेयर खेल रहे होते हैं तो टॉप ऑर्डर प्लेयर टॉप प्लेयर्स ही होते हैं ना, दैट्स वाई भी अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं यू नो, और प्रोफेशनल होते हैं, इनसे एक्सपेक्टेशन भी यही होती है कप्तान की कि यार जिस नंबर पे खेल रहे हैं उनको जो भी उनका रोल होता है उस नंबर का जो बैकबोन कहलाती है नंबर 4 तो वो दिया जाता है नेचुरली, तो नो डाउट ही इज अ गुड प्लेयर बट वी गॉट इनफ बॉलिंग स्ट्रेंथ
इन पाकिस्तान के कैंप के अंदर जो उनको काउंटर कर सकती है और विकेट ले सकती है इनके खिलाफ। ठीक है, सो हम लोग आपको चीज फातिमा एक चीज है कि इनकी जो बॉलिंग इनका जो टीम का कॉम्बिनेशन है इसमें दो इन्होंने स्पिनर्स रखे हैं, जडेजा और नीचे जो है वो कुलदीप यादव जो कि चेयरमैन गूगल के, बाकी जो चार बॉलर्स होंगे उनके वो सीमर्स होंगे, तीन तो रेगुलर फास्ट बॉलर्स हैं और एक जो है उनका ऑलराउंडर है पांड्या। तो जैसे मैं कह रहा था ना कि सुबह आके देखे कप्तान और बोले कि नहीं मैं फहीम अशरफ को भी डाल दूँ एक ऑलराउंडर, तो वो अगर आई विश के फहीम अशरफ भी इस तरह तगड़ा होता जैसे कि पांड्या जडेजा तो बहुत हमारे लिए ज़बरदस्त होता कि वो एक ऐसा हमें ऑलराउंडर चाहिए, मेरे भाई बैठे ऐसा ऑलराउंडर चाहिए आपको। इन्होंने जो है वो कह दिया था कि मैं खेल रहा होता तो फिर वो कहते हैं आपके नहीं क्यों खिलाया तो बड़ा काफ़ी हिट हो गया वो। ठीक है, अच्छा तो एक हमें ना इसी तरह का एक ज़बरदस्त किस्म का एक ऑलराउंडर चाहिए जो उनको इंडिया को बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया वो पांड्या की वजह से। तो उनका कॉम्बिनेशन दो स्पिन और हमारे यहाँ चार स्पिनर्स हैं।